हाइट्स एंड डिस्टेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, बेसिक फॉर्मूले देखेंगे हमको क्या इसमें यूज़ करना है। सबसे पहले देखिए इसमें जो बेसिक टर्म्स है वो इस डायग्राम से क्लियर होंगे। जैसे कि सपोज आप यहाँ से देख रहे हो, ये आपकी आई है, यहाँ से आप देख रहे हो ये मीनार है, ये टावर है, इसका ये टॉप है। तो यहाँ से जो आपकी आंख जो है इसको मिलाने वाली जो लाइन है इस पॉइंट से, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। और यहाँ से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, जो ये एंगल बन रहा है बेसिकली, ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब इस ट्रायंगल को देखिए, ए बी और सी, इसके सामने वाला जो साइड है वो हो जाएगा परपेंडिकुलर। ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूस, ये 90 डिग्री एंगल है। इसको अगर हम थीटा मान लें इस एंगल को, तो यहाँ पे रिलेशनशिप क्या हो जाएगी आप देख सकते हैं, यहाँ पे टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हम देख चुके हैं। इसी तरीके से देखिए साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब देखिए यहां पर तीनों जो इक्वेशंस हैं इसमें तीन क्वांटिटीज हैं, थीटा पी और बी, थीटा पी एंड एच एंड सो ऑन। इसमें कोई भी दो आपको पता हो तो आप तीसरा निकाल सकते हो। हाइट एंड डिस्टेंस में बेसिकली यही करना होता है। कुछ और टर्म्स देखिए आप, अब ये डायग्राम देखिए, अगर आप यहाँ पे खड़े हो छत पे, ये कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज ये फुटबॉल है, इसको आप देख रहे हो, तो इसकी आपकी आंख से इसको मिलाने वाली लाइन क्या हो गई, लाइन ऑफ साइट। यहाँ से हॉरिजॉन्टल खींचा, अब ये लाइन नीचे की तरफ पड़ रही है, तो इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ पे भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अब इसको अगर हम थीटा मान लें, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, परपेंडिकुलर से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। तो ट्रिग्नोमेट्री के वो सारे रिलेशंस जो हमने डिस्कस किए थे वो यहाँ पे भी हम अप्लाई करके, कुछ दिया है तो कुछ निकाल सकते हैं। अब देखिए एनसीईआरटी की हम एक्सरसाइज 9.1 डिस्कस कर रहे हैं। पहला प्रॉब्लम इसमें देखिए, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो यहाँ से यहाँ पे 20 मीटर की ये रोप है, इस पर क्लाइंब कर रहा है। विच इज टाइटली स्ट्रेस्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, ये यहाँ से इस पर बंधी हुई है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये आपको हाइट पता करनी है इसकी। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर देखिए इस ट्रायंगल में ये जो थीटा है 30 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हम लिख सकते हैं यहां पे इस पूरे ट्रायंगल में देखिए हमको क्या निकालना है, एच निकालना है। हमको क्या पता है, 20 मीटर पता है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर देखिए साइन थीटा इक्वल्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, एच बाय 20। तो यहाँ पे देखिए एच क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा 20 साइन थीटा, क्या है ये एंगल है 30, साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, तो यह आ जाएगा 20 इंटू हाफ, ये हो जाएगा 10 मीटर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। ये देखिए इसी एक्सरसाइज की सेकंड प्रॉब्लम, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स ऑन द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट।
एक कोई ट्री है हम बना देते हैं, देखिए उतना स्ट्रेट नहीं बना है, स्ट्रेट लाइन इसको मान लीजिए। अब ये कहीं से टूट जाता है, मान लिया कि सपोज यहाँ से टूट जाता है, और जो ये जो पार्ट है ये क्या होगा, ये ग्राउंड है, सॉरी स्ट्रेट लाइन मानिए, उतना अच्छा डायग्राम नहीं बन रहा है। ये जो पोर्शन है ये नीचे गिर जाता है, और ये गिरा हुआ पोर्शन हमने इस तरीके से बना दिया। अब ये कह रहा है ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट, ये एंगल दे रहा है 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री क्या हो गया, ये हो गया, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज, टॉप इसका ये वाला गिर के यहाँ पे आ गया है, ये दिया हुआ है आपको 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, अब देखिए हाइट क्या है इसकी, यहाँ से यहाँ तक पूरी है, ये पूरी हाइट निकालनी है। तो अब देखिए इस ये ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, इसको हमने एक्स मान लिया, इसको हमने वाई मान लिया, तो यही गिर के यहाँ पे आया है तो ये भी वाई हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल में देखें आपके पास ट्रायंगल कैसा बन गया, आपके पास ट्रायंगल ऐसा बन गया, ये एक्स है ये वाई है, ये एंगल 30 डिग्री है, ये 8 मीटर है। हमको क्या निकालना है, एक्स निकालना है वाई निकालना है, इसको हम ऐड कर देंगे जोड़ देंगे तो हाइट ऑफ द ट्री निकल जाएगी। एच हाइट ऑफ द ट्री अगर हम देखें क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई। तो इस ट्रायंगल में देखिए इन दोनों को रिलेट करना है, 10 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 10 30 क्या हो जाएगा, एक्स बाई 8, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा 8 10 30, 10 30 की वैल्यू होती है रूट 1/√3, तो ये हो जाएगा 8/√3। अब इन दोनों को रिलेट करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, cos 30, cos 30 क्या होता है, cos 30 हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये हो जाएगा 8/y, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8/cos 30। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो जाएगी 8/√3/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा 16/√3। तो अब देख यहाँ से देखिए हाइट ऑफ द ट्री क्या आ जाएगी, x प्लस वाई, एक्स निकला हमारा 8/√3, वाई निकला 16/√3, एलसीएम लेंगे √3 आएगा, ऐड कर देंगे 24/√3 मीटर। ठीक है, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे करेंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा 24√3/√3×√3, क्या किया डिनोमिनेटर में √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया √3×√3 हो गया, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 24, ये आ जाएगा 8, तो आंसर क्या हो गया 8√3 मीटर, हाइट ऑफ द ट्री हो गई 8√3 मीटर।